देखिए, जब आपको ये लगता है कि आप PU पेंट कर रहे हैं लेकिन उसमें चमक नहीं आ रही है, तो चमक का वैसे तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कुछ पेंटर भाई है जो नहीं देख पाते हैं, वो बार बार सवाल करते हैं। और ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी बार सवाल कीजिए, आपको जवाब उतनी ही बार जवाब मिलेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप लोग PU करते हैं और उसमें चमक नहीं आती है, तो उसका जो एक मेजर कारण है वो होती है सैंडिंग। अगर आपकी सैंडिंग में प्रॉब्लम है तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो जो पॉलिएस्टर है उसकी सैंडिंग अलग तरीके से होती है, PU है उसकी अलग तरीके से होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर यहाँ पर मैं आपको जो अभी बता रहा हूँ वो हाई ग्लोस PU की बता रहा हूँ, अगर मैट आप PU कर रहे हैं तो उसमें भी अगर डस्ट आ जाता है, वैसे तो उसमें डस्ट बहुत कम आता है, लेकिन कुछ लोगों का डस्ट आ जाता है, कुछ लोगों के मैट में भी, वो इसलिए आता है क्योंकि वो जैसे ये फ्लोर आप देख रहे हैं इस तरह का साफ़ फ्लोर नहीं होता, और जो वॉल होती है वॉल भी उनकी इतनी क्लियर नहीं होती जितनी यहाँ पर है। तो अगर आपकी वॉल गंदी है, फ्लोर गंदा है, तो आप फ्लोर पर पानी डाल लीजिए और वॉल पर भी स्प्रे मशीन से ही एक स्प्रे कर दीजिए पानी का। उससे क्या होगा कि जो डस्ट है वो डस्ट आपके ऑब्जेक्ट पे नहीं आएगा, और आप मैट फिनिश करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और अगर मैं ग्लोस की बात करता हूँ, तो ग्लोस में आपको जो सैंडिंग है वो सैंडिंग प्रॉपर करनी है। सबसे अच्छा जो पेपर होता है उस पेपर को आप ले, और पेपर से जो भी मतलब आपको यूज़ करने में आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा है, उस पेपर को ले। जब आप कोट डाल दें, सबसे पहले तो आप मटेरियल जो है ना, मटेरियल प्रॉपर डालें, मटेरियल कम नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जब मटेरियल आपका हो जाए दो कोट में, अच्छा ठीक ठाक मटेरियल आप डाल दें, उसके बाद फिर आपको सैंडिंग करनी है जब सूख जाए 6 घंटे बाद। सैंडिंग में आपको करना यह है कि आपको अगर ज़्यादा डस्ट है तो हल्का हल्का सा आप 600 नंबर मार दें, फिर उसके बाद 800 नंबर चलाएं, फिर 1000 नंबर को बहुत ही अच्छी तरह से आपको चलाना है। और जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग जैसे लगा रहे हैं इस तरह से, अगर आप लगा रहे हैं, मान लिया आपने 1000 इस तरह से लगाया है, तो आपको 1500 इस तरह से लगाना है, इस तरह से ऐसे लगाना है। तो ये है तरीका, यानी कि एक साइड अगर मान लीजिए एक वर्टिकल लगाया तो एक हॉरिजेंटल लगाना है, इस तरह से आपको लगाना है सैंड पेपर, तभी आपके जो आपका ग्लोस है उसमें ग्लोसनेस पूरी अच्छे से आएगी। इसमें आप देखेंगे अभी 1000 ही लग रहा है, अभी चमक इसमें आने लगी है, 2000 तक पहुँचते पहुँचते ये खूब अच्छे से शाइन करने लगेगा। तो अगर फिर भी आपको सैंडिंग के रिगार्डिंग कोई, अगर फिर भी सैंडिंग के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।